Hello students, welcome to the class on editorial decode, and in this class we'll be dealing with the lead editorial. And in lead editorial today we have the topic of India's diplomacy with respect to China. So in this class we'll be discussing the diplomatic relationship between India and China, but primarily in this class we'll be discussing it from the perspective of Tibet. Now Tibet plays a very important role in India and China's relationship, and the reason for that is Tibet controversy or Tibet's issue also challenges the sovereignty of China. And when it comes to China as a political nation, it is a lot hegemonic, it is a lot sincere, it is a lot protective about its sovereignty. And that is one of the reasons why China has been so ascendantic in the past with respect to India on the issue of Tibet. तो चाइना तिब्बत के इशू को बहुत सिंसेरिटी से लेता है, एंड यही एक कारण है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो लड़ाई हुआ है 1961 एंड 62 में, इसका कोर रीजन क्या था? द कोर रीजन वाज द इशू ऑफ तिब्बत. तिब्बत का सबसे बड़ा इशू था कि तिब्बत जो मानता नहीं, जितना भी जो तिब्बत रीजन है आज की डेट में जिसके ऊपर जिसको ऑक्यूपाई कर रखा है चाइना ने, जो तिब्बत का कल्चर है और जो तिब्बत का नॉन मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर है और मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर है, वो इंटायरली डिफरेंट है बाकी सारे चाइना के रीजन से. तिब्बत में एक अलग रिलीजन प्रैक्टिस होता है, तो यही एक कारण है कि तिब्बत ऑलवेज वॉन्टेड ऑटोनॉमी फ्रॉम चाइना, इंडिपेंडेंस फ्रॉम चाइना. But China was not ready to give away the Tibet region because according to China, Tibet actually belongs to their territory. And अगर Tibet उसे छीना जाता है और किसी भी तरीके का कोई insurgency होता है, किसी भी तरीके का China के against में कोई movement चलता है, China उस चीज़ को लेके बहुत serious है. And जो cultural differences रहे हैं Tibet region के और China के बीच में, and that had primarily resulted in the war between India and China. Now why it unfolded in 1959? Now this is a very important date with respect to India, China and Tibet that we have. In 1959 an uprising took place in Tibet region. तो जितने भी तिब्बत के रहने वाले हैं, क्योंकि वो एक बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं, उन्होंने एक अपराइजिंग कर दिया अगेंस्ट द डोमिनेंस ऑफ चाइना, क्योंकि चाइना अपना कल्चर वहां इंपोज करना चाह रहा है, चाइना अपना इकोनॉमिक सेटअप वहां पे इंपोज करना चाह रहा है और पॉलिटिकल सेटअप वहां पे इंपोज करना चाहता है चाइना. 1959 में चाइना ने हजारों लाखों लोगों को, जितने भी टिबेटियंस हैं उनको मारना शुरू कर दिया, एंड बहुत लोग वहां से भाग के हिंदुस्तान में रिफ्यूजी बन के आ गए. एंड इंडिया ने जो एक्चुअली मिस्टेक किया है, दैट मिस्टेक वाज प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द रिफ्यूजीज ऑफ द तिब्बत रीजन. एंड दलाई लामा, हु इज एक्चुअली द स्पिरिचुअल एज वेल एज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द तिब्बत रीजन, इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ ideological support to the Tibetans. अभी primarily एक बहुत important चीज और है, that is Tibet का जो government है, जो दलाई लामा कहते हैं अपने आप को, that is the government in exile. तो उन्होंने government बना रखा है, वो कहते हैं कि Tibet हमारा region है और उन्होंने उसको occupy करके रखा हुआ है. But जब हिंदुस्तान ने दलाई लामा को शरण दे दी, फॉर्मली शरण दे दिया, रहने के लिए अलाउ कर दिया, तो इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशनशिप था वो खराब हो गया, और इंडिया और चाइना का वॉर प्राइमरली इसी कारण से हुआ. नाउ अगेन व्हाई वी आर डिस्कसिंग तिब्बत विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड चाइना,
उसका एक कारण ये है कि नाउ देयर हैज बीन सम काइंड ऑफ अंडरपिनिंग्स गोइंग विद रिस्पेक्ट टू टिबेट इशू अगेन. अभी तिब्बत का इशू दोबारा फिर गर्म हो रहा है. अभी एक वर्ल्ड पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस होने जा रहा था ऑन टिबेट, WPCT. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड पार्लियामेंटेरियन कॉन्फ्रेंस ऑन टिबेट. अब इंडिया ने इसको डिसअलाउ कर दिया है प्रेजेंटली कि हम इस कॉन्फ्रेंस को नई दिल्ली में नहीं होने देंगे. एंड सेकेंडली, कुछ दिन पहले एक एनिवर्सरी था जब दलाई लामा हिंदुस्तान आए. 1959 में जब आए तो वो 60 साल हो चुके हैं उस इवेंट को. उस इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए जितने भी तिब्बत के लोग हिंदुस्तान में शरण लेके रह रहे हैं, वो इस इवेंट को सेलिब्रेट करना चाहते थे. बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं पीके सिन्हा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट राइट द नेम्स ऑफ द सेक्रेटरीज इन योर आंसर्स. तो जो हमारे सेक्रेटरी हैं पीके सिन्हा, और उन्होंने एक एडवाइजरी इशू कर दिया सब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कि दैट दे शुड नॉट बी गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ परमिशन टू द टिबेटियंस लिविंग इन एग्जाइल टू सेलिब्रेट दिस एनिवर्सरी ऑफ दलाई लामा द 60 ईयर्स इन इंडिया. नाउ व्हाट डज दिस रिफ्लेक्ट? दीज टू एक्शंस बाय द गवर्नमेंट प्राइमरली रिफ्लेक्ट दैट द गवर्नमेंट एक्चुअली डोंट वॉन्ट टू बी पार्टी to any support system to Tibet. Government don't want to play this card of Tibet in the diplomacy with China, because China, like in the beginning I have told you, is very serious about its sovereignty issues, and China will not take it lightly if India will be providing any sort of support to the Tibetans living in exile. So primarily what it means, it means that India should actually be dropping the Tibetan, because same issue can also crop up on India's side. Like if someone will be providing support to the insurgents operating in Northeast, in some part of the world, it will impact India's relationship with that country. And similar thing is happening vis-a-vis Tibet. But like India's stance has always been to be more humane in the diplomatic relation, and in order to be more considerate towards the humanistic issues, like the issue of being a refugee, like the issue of violating the human rights, India had a track record and history of protecting the victims of such episodes or of such things, and India had just tried to provide support to the refugees of the Tibetan in the past, but that had backlashed. And India should not redo this thing again, because redoing will be reinventing the acrimony between India and China. तो जो हमारा एक अच्छा relationship जो कभी भी develop नहीं हो पाया, उस वो develop नहीं हो पाया, वो relation को हम और ज़्यादा खराब कर लेंगे अगर हम Tibet के issue को बहुत ज़्यादा intensify करके उसको diplomacy में use करने का कोशिश करेंगे. So this was all for the editorial decode. You can subscribe to this channel. Name of the channel is Brainy IAS. And about the packages, there is the information scrolling down. You can have a look at the information, and accordingly, you can place orders on brainyias.com. And you can also become part of our classroom coaching program for the civil services. So this was all for the day. Bye-bye. Take care. Have a nice, nice day.